गुरु नानक देवजी जन्मोत्सव विशेष यात्रेचे भव्य सत्कार नांदेडमध्ये करण्यात आला. श्री गुरु नानक देवजी यांच्या जन्मस्थान ननकाना साहेब पाकिस्तान येथून काढण्यात आलेल्या विशेष जन्मोत्सव यात्रेचे नांदेड शहरात विविध ठिकाणी भव्य सत्कार करण्यात आले. यावेळी धार्मिक घोषवाक्यांचे वातावरण दुमदुम गेले. दिनांक 18 रोजी सायंकाळी उशिरा कल तारण नानकाया या विशेष धार्मिक यात्रेचे नांदेड नगरीत आगमन झाले. गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्डाच्या वतीने नवीन कोटा ठिकाणी यात्रेचे जल्लोष स्वागत करण्यात आले. बोर्डाचे अध्यक्ष सरदार भूपिंदर सिंग मनिहास यांच्या नेतृत्वात यात्रेचे भव्य दिव्य सत्कार करण्यात आले. यावेळी बोर्डाचे सचिव रवींद्र सिंग बुंगई, सदस्य परमजीत सिंग चहल, गुरुचरण सिंग घडीसाज, भगिंदर सिंग घडीसाज, जगबिंदर सिंग शाहू, सुरदुल सिंग फौजी, गुरमीत सिंग महाजन, मनप्रीत सिंग कुंजीवाले, शेर सिंग फौजी, अधीक्षक गुरविंदर सिंग वाघवा, प्रशासकीय अधिकारी डी पी सिंह, वरिष्ठ सहायक अधीक्षक रणजित सिंह चिरागिया, सहायक अधीक्षक ठान सिंह बुंगई, कनिष्ठ अधीक्षक हरजीत सिंह कडेवाले, नारायण सिंग नंबरदार, रवींद्र सिंग कपूर आणि गुरुद्वारा बोर्डाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. कल तारण गुरु नानक आया जो ये यात्रा, अलौकिक यात्रा जो है गुरु महाराज की, ये पाकिस्तान से ननकाना साहब से शुरू हुई है और आज यहाँ हमारी पवित्र धरती पे नंदेड़ पे आ रही है. और मैं सभी का, यहाँ पर जितने भी भाई बहन जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ और उनको कहता हूँ कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और दर्शन करें. और ये जो हमें जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है 550 साल की, ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी है कि इसके दर्शन में हम लोग शामिल हुए. और ये जो हम 550 साल का प्रकाश पूर्व बनाने जा रहे हैं 12 नवंबर को, और वो सबसे बड़े मेन जो है सुल्तानपुर लोधी पंजाब में करने जा रहे हैं. और यहाँ पर भी हम 7 और 8 नवंबर को माल टेकरी साहब पे 550 साल का जो ये कार्यक्रम है वो करेंगे. यात्रा जो अभी आ रही है, किस तरीके से रोक रहे हैं? ऐसा है, संदेश ये है कि गुरु नानक देव जी ने उन्होंने कहा था कि आप किर्त करो और बढ़ सको और नाम जपो. मतलब कि आप जो कमा रहे हो उसमें से आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, उसकी आपकी पूरी की पूरी आप खुद मत खाओ, गरीबों लोगों को भी दो, और नाम जपने से आपका जो शुद्धिकरण करो. किस तरीके का रूट है, कैसे दिखा रहे हैं? ये रूट तो आपको भी पता है, ये जो रूट है जहाँ से चल के ये न्यू मुंडा जाएगी, यहाँ से पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से ये शुरू हुई है, पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए, और आपके ये महाराष्ट्र में आई है, फिर तेलंगाना में गई है, फिर महाराष्ट्र में आई है. और जो महाराष्ट्र और तेलंगाना का जो पूरा काम काज है देखने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो पूरा तख्त सबको दिया है, वो उसको हम मैनेज कर रहे हैं पूरे का पूरा. बिदर का भी जो है वो उन्होंने बिदर वालों ने किया है. पाकिस्तानातून प्रतापसिंग या ठिकाणी निघालेली ही रथयात्रा आता आपल्या महाराष्ट्रात नांदेडमध्ये आगमन होत आहे. या यात्रेचं महाराष्ट्रामध्ये गावगावी मोठ्या प्रमाणात स्वागत झालं आहे. या स्वागतात नांदेडची जनता स्वागत झाली आहे. नानक साहेबांनी एक संदेश सांगितला होता पाचशे 50 निमित्त जिल्ह्यात किती समाधान मिळवतं असेल तर तुमच्या कमाईतला 10% हिस्सा गोरगुरुसाठी लावा आणि देवाचं नामस्मरण करा, जेणेकरून
योग्यता वाढली पाहिजे आणि ह्या दोन जर गोष्टी केल्या तर तिथे जीवन सुखी संसार जाईल हा संदेश नागरिकांनी दिला होता. तो संदेश तुम्ही आता नांदेड बोलतोय. नांदेड पुणे यात्रेचं जोरदार स्वागत आहे. या यात्रेमध्ये येणाऱ्या सर्व अतिरास भाजपा पार्टी नांदेड या सह्यक प्रवचनांना मी त्यांना स्वागत करतो आणि